हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शमशेर भगत जी के इस कमेंट को। इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित आयुष प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी निश्चित आयुष प्लान की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो के इस टॉपिक पे चाहते हैं। श्रीमान भगत जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण निवेश प्लान की। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस लाइन को अपने शब्दों में समझते हैं। हम जो भी प्रीमियम पे करेंगे, चाहे वो लमसम पे करें या रेगुलर पे करें, वह प्रीमियम कंपनी हमारे द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से, इस प्लान में हमें 10 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें हम आगे चल के जानेंगे, तो हमारे द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और अंत में जो भी फंड वैल्यू होगा वो हमें मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। और पॉलिसी टर्म के दौरान जो हमने प्रीमियम पे किया उसके आधार पर लाइफ कवर बना रहेगा, यानी कि डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को गारंटेड डेथ बेनिफिट पे किए जाएंगे। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। तो शुरू करते हैं एंट्री एज लिमिट के साथ। प्लान में जो ओवरऑल एंट्री एज लिमिट है वो 0 से लेकर के 65 साल तक की है। बात आती है ओवरऑल मैच्योरिटी एज की लिमिट की, तो वो 18 साल से लेकर के 85 साल तक की आपको मिलती है। लेकिन अगर आपका मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली नहीं है, लमसम नहीं है, तो फिर दो दो साल आप घटा लीजिएगा इसमें से, ठीक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के जो ऑप्शन है वो 3 है, सिंगल पे, रेगुलर पे और लिमिटेड पे। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो सिंगल पे का मतलब आपको पता ही है कि वन टाइम आपको पे करना है। और जो लिमिटेड पे है वहाँ पे आपको 5 साल से लेकर के 20 साल तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रीमियम पे करने का। रेगुलर पे का मतलब आपको पता ही है, जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप लगातार प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आएगी कि जो मिनिमम प्रीमियम है उसका लिमिट है क्या। अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करते हैं यानी कि सिंगल प्रीमियम यानी कि सिंगल पे, तो 12,000 रुपए कम से कम, सालाना 12,000 रुपए, छमाही 6,000 रुपए। अगर आप तिमाही प्रीमियम पे करना चाहेंगे तो 3,000 रुपए, और मासिक पे करना चाहते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए प्लस टैक्सेस आपको पे करने होंगे। बात आते हैं यहाँ पे पॉलिसी टर्म की, तो देखिए अगर आपने सिंगल पे ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने का, तो 10 साल, 15 साल और 30-35 साल, यानी कि 10 साल के बाद 15 से 35 साल तक का ऑप्शन है। रेगुलर पे और लिमिटेड पे के लिए जो पॉलिसी टर्म है वो 85 में से आपको अपनी उम्र को घटा देना होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सम अश्योर्ड के लिमिट की। तो अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने के लिए, तो चाहे आपकी उम्र 45 साल से कम हो या ज्यादा हो, आपका जो सम अश्योर्ड होगा मिनिमम, वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा, यानी कि सिंगल प्रीमियम में 1.25 का गुणा कर देंगे। अधिकतम जो सम अश्योर्ड हो सकता है वो आपके सिंगल प्रीमियम में 4 का गुणा कर लीजिएगा, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 4 गुना, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में सम अश्योर्ड का क्या लिमिट है, जानने के लिए हम वीडियो को कर लेंगे यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जानते हैं अगर उम्र 45 साल से कम है तो सम अश्योर्ड का क्या लिमिट होगा। मिनिमम लिमिट है आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना, या फिर 0.5 का गुणा करेंगे आप पॉलिसी टर्म में, फिर आप उसका गुणा कर देंगे सालाना प्रीमियम में, जो बेसिक प्रीमियम आप पे कर रहे हैं सालाना। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिनिमम सम अश्योर्ड हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी लिमिट है, सालाना प्रीमियम का 40 गुना, या फिर 0.5 का पॉलिसी टर्म में हम गुणा करेंगे और उसका गुणा कर देंगे एनुअलाइज्ड प्रीमियम में। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मैक्सिमम सम अश्योर्ड का लिमिट आपको मिल सकता है, राइट। अगर आप ओवरऑल जानना चाहते हैं तो मिनिमम सालाना प्रीमियम का 10 गुना और मैक्सिमम सालाना प्रीमियम का 40 गुना तक मिल सकता है। अगर उम्र 45 साल से ज्यादा की या 45 साल की है, तो ऐसे में जो मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट होगा वो सालाना प्रीमियम का आपका 7 गुना, और इसका कंपैरिजन कर लेंगे आप 0.25 का गुणा करेंगे पॉलिसी टर्म में, फिर सालाना प्रीमियम में गुणा कर देंगे। दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपका मिनिमम सम अश्योर्ड बन सकता है। बात आती है मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिमिट की। उम्र 45 साल से कम है तो सालाना प्रीमियम का 40 गुना तक आपको मैक्सिमम सम अश्योर्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, ले सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है इस प्लान में, सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे 3 तरीके के वेरिएंट आपको मिलते हैं लाइफ कवर को लेके।
पहला जो वेरिएंट है वो कहता है क्लासिक बेनिफिट, यानी कि प्लान का जो पहला ऑप्शन है उसका नाम है क्लासिक बेनिफिट। इसमें जो लाइफ कवर का अमाउंट होगा वो सम अशोर्ड में से आप पार्शियल विड्रॉल घटा देंगे अगर पिछले 2 साल में कोई किया होगा तो मृत्यु की डेट से पहले, और उसका कंपैरिजन करेंगे फंड वैल्यू के साथ में, फिर जितना प्रीमियम पे कर दिया गया है उसका 105% निकालेंगे उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तीनों में से जो ज्यादा होगा वही हो जाएगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट, क्लासिक बेनिफिट ऑप्शन अगर आपने लिया होगा तो, ठीक है जी। और डेथ बेनिफिट पेड करने के बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अब ये जो क्लासिक बेनिफिट है इसमें एक एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन भी है। इसमें आपको डेथ कवर क्या मिलता है, यानी कि डेथ बेनिफिट क्या होगा, लाइफ कवर बेनिफिट जो जस्ट आपको भी मैंने बताए थे, और उसके साथ में एक्सीडेंटल डेथ कवर और आपको मिल गया, यानी कि आपने क्लासिक बेनिफिट विद एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन लिया होगा और डेथ हो जाती है तो जो फर्स्ट ऑप्शन के डेथ बेनिफिट है उसके साथ में बेसिक सम अशोर्ड और मिल जाएगा एडिशनल, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई होगी तो, ठीक है, और डेथ बेनिफिट पे करने के बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा जो बेनिफिट ऑप्शन है यानी कि वेरिएंट है इस प्लान का वो है क्लासिक प्लस बेनिफिट। क्लासिक प्लस बेनिफिट में जो डेथ बेनिफिट है वो कहता है कि सम अशोर्ड के साथ में फंड वैल्यू का कंपैरिजन कर लेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105%, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका डेथ बेनिफिट। तो जहां तक बात है यूलिप प्लान की तो सम अशोर्ड प्लस फंड वैल्यू ज्यादा बैठ सकता है, ऐसा पॉसिबल है, और सकता ही शब्द हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके लिए। थर्ड ऑप्शन है क्लासिक वेवर बेनिफिट। क्लासिक वेवर बेनिफिट आप लेंगे तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, बेसिक सम अशोर्ड का कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट पे कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो एक एडिशनल बेनिफिट होगा जिसकी वजह से वेवर शब्द यहाँ पे जस्टिफाई होता है, वो यह है कि भविष्य की जो भी प्रीमियम है, जो प्रीमियम का ड्यू डेट होगा, जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे सालाना या छमाही जैसे भी, उतना ही प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी चार्जेस होंगे वो लगातार न्यू के तू लगते रहेंगे क्योंकि प्रीमियम की जगह पे कंपनी खुद यहाँ पे फंड को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। और यूलिप प्लान में मेच्योरिटी बेनिफिट आपको पता ही है कि जो फंड वैल्यू इकट्ठा हो जाता है ओवर द पीरियड पॉलिसी टर्म के दौरान वही मिलता है। आप मेच्योरिटी बेनिफिट को किस्तों में भी ले सकते हैं जिसे इस प्लान में सेटलमेंट पीरियड कहा गया जो कि 5 साल का है, और सेटलमेंट पीरियड के दौरान लाइफ कवर बना रहता है जो कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% होता है, यानी कि मोर्टेलिटी चार्जेस भी लगते रहेंगे, और सेटलमेंट पीरियड के दौरान आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे वो पार्शियल विड्रॉल ही है। पार्शियल विड्रॉल के लिए कंडीशन है कि कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल आपको 10,000 रुपए का मिल सकता है। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल है रेगुलर पे और लिमिटेड पे के लिए ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म वो आपकी सालाना यानी कि जो बेसिक प्रीमियम होगी आफ्टर टैक्स वाला उसका 300% तक ही आप निकाल सकते हैं, राइट। याद रखिएगा रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है तो जो मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल है आपका आपके सिंगल प्रीमियम का 50% तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अब बात आती है नेक्स्ट बेनिफिट की जो कि है लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट। वीडियो को हम फुल स्क्रीन पे कर लेंगे यहाँ पे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर पे और लिमिटेड पे से संबंधित है लॉयल्टी एडिशन की। लॉयल्टी एडिशन है क्या, एक निश्चित प्रतिशत है आपकी सालाना एवरेज फंड वैल्यू का जो कि हर साल ऐड किया जाएगा आपके फंड वैल्यू में कंपनी द्वारा। कब से ऐड होना शुरू होगा, पॉलिसी के 10 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब 11वां साल का अंत हो रहा होगा तब से ये ऐड होना शुरू होगा, ठीक है जी। याद रखिएगा रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में। अगर आपने रेगुलर पे प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिया होगा, सालाना प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तो जो साल के अंत में जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1.2% लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, और अगर आप छमाही तिमाही मासिक मोड ऑफ प्रीमियम है तो 1% मिलेगा। 5 से 6 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एवरेज फंड वैल्यू का 1.8%, और सालाना प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो एवरेज फंड वैल्यू का 1.6% आपको मिल जाएगा, क्या, लॉयल्टी एडिशन। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 से 9 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 1.2% मिल जाएगा, अगर सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर प्रीमियम सालाना नहीं पे किया तो 1% मिल जाएगा साल के एवरेज फंड वैल्यू का। एवरेज फंड वैल्यू से तात्पर्य है साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर पे फंड वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो जो भी होगी आप उसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो रफली
आपका फंड वैल्यू निकल आएगा एवरेज, उसका ये निश्चित प्रतिशत यहाँ पे बताया गया, ठीक है। बाकी 10 साल 12 साल 15 साल और 20 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए भी सेम ही परसेंटेज है। अगर आप सिंगल प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं तो जो आपका एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1.50% आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, ठीक है जी। और सिंगल प्रीमियम के केस में जो लॉयल्टी एडिशन आपको मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल से अंत से लेकर के 14वें साल तक ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे चार्जेस की। तो सबसे पहला चार्ज है यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेड पे और रेगुलर पे के केस में प्रीमियम एलोकेशन के चार्जेस की। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। अगर हमारा प्रीमियम 1,00,000 रुपए से कम है और हम सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पहले साल हमारे प्रीमियम का 9% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, दूसरे और तीसरे साल पे 7%, चौथे और पांचवे साल पे 6%, और उसके बाद में 5% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हमें लगेगा, ठीक है जी। और अगर हम सालाना प्रीमियम नहीं पे करते हैं, छमाही तिमाही मासिक कर रहे हैं, तो पहले साल 7%, दूसरे और तीसरे साल पे 6%, और उसके बाद 5% लगेगा हमारे सालाना प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चार्जेस लिखे हुए, आप पॉज करके इस चीज को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। अब आता है यहाँ पे सिंगल प्रीमियम का केस। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया होगा प्रीमियम पे करने के लिए और आपका प्रीमियम 1,00,000 से कम है तो आपके प्रीमियम का 3% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, उसके बाद फंड के माध्यम से आगे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्रीमियम 1,00,000 रुपए है लेकिन 24,99,999 यानी कि 2,500,000 से 1 रुपए कम के बीच में तो 1.5% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर प्रीमियम 2,500,000 या उससे ज्यादा है तो 1% यानी कि 1% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। और हम जानते हैं कि पहले प्रीमियम एलोकेशन चार्ज डिडक्ट होता है, उसके बाद ही हमें यूनिट मिलती है बचे हुए प्रीमियम के साथ। फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस है आपके फंड वैल्यू का 1.35% सालाना लगता है। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है तो फिर फंड जो मैनेजमेंट चार्जेस है वो 0.50% लगता है फंड का, जो एवरेज फंड वैल्यू होगी साल का वो। नेक्स्ट चार्जेस है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। पॉलिसी के पहले 5 साल अगर हमने सिंगल प्रीमियम पे किया है तो 0.12% लगेगा हर महीने सिंगल प्रीमियम के केस में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में नहीं लगेगा पहले 5 साल। पॉलिसी के 6ठे साल से लेके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगेगा वो 0.07% लगेगा सिंगल प्रीमियम का हर महीने, ठीक है जी। और उसके बाद 5% की दर से सालाना ये बढ़ता रहेगा, ऐसा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है जी। लेकिन इस पे कैपिंग भी है जिसके बारे में हम बताएंगे अभी। अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने का तो 6ठे साल से 0.35% आपके सालाना प्रीमियम का हर महीने लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। और उसके बाद 5% की दर से बढ़ता रहेगा। तो जो कैपिंग है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे वो कहती है कि 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा ये नहीं होगा, इतना लिमिट इसका मैक्सिमम है। अब बात आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यूस चार्जेस की, क्योंकि बहुत से लोग पॉलिसी को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं। अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन चुना है प्रीमियम पे करने के लिए और सालाना प्रीमियम जो है अप टू 50,000 रुपीज तक है, पहले साल के दौरान पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 3,000 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। दूसरे साल के दौरान पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 2,000 रुपए तक। तीसरे साल के दौरान अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो 1,500 रुपए तक का चार्ज लग जाएगा। और अगर पॉलिसी को चौथे साल के दौरान या चौथे साल पे डिसकंटिन्यू करते हैं तो 1,000 रुपए तक का अधिकतम पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग जाएगा। अगर आपका सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, रेगुलर पे लिमिटेड पे ऑप्शन आपने लिया है, तो पहले साल के दौरान अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते तो 6,000 रुपए का चार्ज लग जाएगा। और ध्यान रखिएगा 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद ही अपना फंड निकाल पाएंगे। पॉलिसी के दूसरे साल के दौरान पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 5,000 रुपए तक चार्ज लग सकता है। तीसरे साल के दौरान अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम 4,000 रुपए का चार्ज आपको लग सकता है। और चौथे साल के दौरान या चौथे साल पे अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो 2,000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है, अगर सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए है या उससे ज्यादा है तो, ठीक है जी। और ये चार्जेस थे रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है, राइट, तो वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। आप चाहते हैं सिंगल पे करना, पहले साल के दौरान अगर पॉलिसी को आपने डिसकंटिन्यू किया तो आपके सिंगल प्रीमियम या फंड वैल्यू का 2% निकालेंगे, कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वो होगा चार्जेस। अगर प्रीमियम 3,00,000 रुपए से कम है या 3,00,000 तक है, अधिकतम 3,000 रुपए तक होगा चार्ज, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 3,00,000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम है तो सिंगल प्रीमियम और फंड वैल्यू का 1% निकालेंगे, कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वो होगा, लेकिन अधिकतम जो लिमिट है वो 6,000 रुपए तक की है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है चार्जेस के, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझाने के पर्पज से मैंने आपको बोल के बता दिया। अब बात आती है पार्शल विड्रॉल की। तो देखिए, चार पार्शल विड्रॉल तो फ्री आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब भी आप पार्शल विड्रॉल करेंगे तो 250 रुपए का चार्ज हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन कंपनी कहती है 250 रुपए तक होगा, राइट। और इससे कम भी हो सकता है, ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। स्विचेस चार्जेस भी है, लेकिन चार स्विचेस आपको फ्री मिलती है अपने यूनिट को, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं, उसके बाद 250 रुपए का चार्ज लग जाएगा पर रिक्वेस्ट। प्रीमियम रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं चार बार आप बिल्कुल मुफ्त, उसके बाद में 250 रुपए का चार्जेस इस पे भी आपको लागू होगा, किस पे? प्रीमियम रीडायरेक्शन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है कि जो 10 फंड हैं वो कौन से हैं। अब देखिये, फंड के जो नेम है हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पहला फंड है इक्विटी प्लस फंड, दूसरा है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, तीसरा जो फंड का ऑप्शन है वो है ब्लू चिप फंड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरी हाई रिस्क, राइट। चौथा जो फंड है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फंड है, पांचवा जो फंड है वो है इक्विटी एडवांटेज फंड, छठा फंड है यहाँ पे डिस्कवरी फंड। वेरी हाई रिस्क के मतलब है कि 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाएगा, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड हुए ये, राइट। नंबर 7 जो फंड है वो है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड के नाम से ही आपको पता है इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है ये। फिर है आपका इनकम फंड, बॉन्ड फंड और कंजर्वेटिव फंड, ये लो रिस्क वाले फंड है, राइट। तो ये फंड के नेम और ये इनका नेचर है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे रखिएगा और हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, इस समय तभी आपको डिटेल क्लियर दिखेगी। मान लेते हैं 35 साल की उम्र है, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 15 ही साल का पॉलिसी टर्म है, 5 लाख रुपए साल का कोई प्रीमियम पे कर रहा है, तो ऐसे में उसका 10 से गुणा कर दीजिए तो 50 लाख रुपए का यहाँ पे सम अशॉर्ड हो गया। और ऐसे में अगर 8% की दर से अगर रिटर्न मिलता तो 1,22,59,071 रुपए का अमाउंट उनको मेच्योरिटी पे मिल जाता 15 साल बाद, राइट। अब ये एक इलस्ट्रेशन है जो पॉलिसी ब्रोशर से हमने ली है, क्योंकि देखिए बोनस वगैरह कुछ ऐसा तो है नहीं ना कि हम अपने पास से आपको कैलकुलेट करके बता दें, क्योंकि कंपनी भी कहती है इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है, रिस्क पूरा पूरा आपका है। अब श्रीमान भगत जी ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी किया है कि ये सेटिस्फाई नहीं है, अभी 4 दिन हुए, क्या कैंसिल करा सकते हैं, बाकी आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, ये कमेंट हमें बताता है कि अगर आप किसी को पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो पूरी तरीके से समझा के करें, अन्यथा ये होता है। फ्री लो का पीरियड 15 से 30 दिन का आपको मिल जाता है, अगर डायरेक्ट बाय करते हैं तो 15 दिन का है, इनडायरेक्ट बाय करते हैं तो 30 दिन का है। तो फ्री लो का पीरियड के अंदर हम पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, या हम अपनी क्योरी भी रेज कर सकते हैं कंपनी, अगर हम डिससेटिस्फाइड है तो हमें सेटिस्फाइड करेंगे, सोल्यूशन देंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ लेते हैं। धन्यवाद।